ओ भाई बोले तो क्यों मजा आया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज करण शर्मा। आप देख रहे हैं करण ब्लॉग्स। आज है 23rd अक्टूबर और बज रहे हैं 3:39 सुबह के और बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हमें एकदम जल्दी जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से और हम जा रहे हैं यहाँ से बहुत लंबी राइड पे। मैं आपको रास्ते पे मिलता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। बाय बाय। तो गाइज अब देख सकते हो हम हो गए टनाटन रेडी एकदम अब। लेकिन सिर्फ हमारे रेडी होने से बात नहीं बनेगी क्योंकि बाइक को भी रेडी करनी है, करना है उसे फुल्ली लोडेड और इस काम में थोड़ा टाइम जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, फटाफट से बाइक लोड करते हैं और उसके बाद रोड्स को हिट करते हैं। उसके पहले और एक बात, इस जैकेट के अंदर मतलब पहले तो यूजुअली हम टी शर्ट्स पहनते थे बट इस राइड पे मैं पहली बार ये ट्राई करने वाला हूँ ड्राई फिट पहन के। तो देखते हैं इसमें और टी शर्ट में क्या डिफरेंस है, वो मैं रास्ते पे बताऊंगा आपको। चलो सी यू। आज होने वाली हमारी राइड चालू और आप देख सकते हैं बाइक पूरी टनाटन एकदम टाइट हो चुकी है और यहाँ छोटे मोटे चीज़ें करते करते ही यहाँ पर बारिश का पूरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। बारिश चालू हो गई बट उतनी रेंज में नहीं है तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट, जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुँचते हैं और देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे, क्योंकि राइड तो अब कैसे भी करनी है, इतने दिन से प्लान कर रहे हैं। तो चलिए लेते हैं प्रभु का नाम और निकल जाते हैं क्योंकि ये राइड तो मैं कोई भी हालत में कैंसिल या पोस्टपोन करने से रहा। तो भगवान को करते हैं नमस्कार और करते हैं ये राइड चालू। बहुत पैक हो गई है गाड़ी, तो अभी चल रहे नीतीश जी के घर। ओहो बाइक पूरी फुल्ली लोडेड है, चलाने में मज़ा आ रहा है। हाय 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 हाय, थोड़ा साइड क्लियरेंस देख के चलना पड़ेगा। हमारी गाड़ी आज की पूरी एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। आप जैसा देख सकते हैं एक बहुत ही लंबा वाला राइड का प्लान है यहाँ पे और पूरा टकाटक एकदम हमने इसे पूरा पैनियर वैनियर बैक ट्रैप वगैरह सब कुछ मतलब डाल वाल के एकदम लोडेड कर दिया है। राइनो के हेलमेट भाई साहब पूरा पूरा खर्चा किया गया। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए करते हैं फटाफट से इस राइड को शुरू। हम अभी रुके हुए हैं, नीतीश जी का वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं फटाफट और निकलते हैं, देखते हैं इस राइड में कितना मजा आता है। बाय बाय। तो फाइनली नीतीश जी आ गए हैं और हमारा राइड चालू होने वाला है। थोड़ा लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाईवे पे थोड़ा मेकअप कर लेंगे नीतीश जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी राइड हो गई है चालू और थोड़े देर बाद जब बारिश अगर बंद हो जाती है तो मैं अपने नए वाले ग्लव्स भी डाल लूँगा। तो चलिए आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, क्योंकि और भी बंदे हैं हमारे साथ, मनी है, विनोद है और उन लोगों के लिए भी मतलब उन लोगों के साथ ही जाना है। तो जहाँ पर उन लोगों ने सेटअप मतलब जहाँ पर वो रुके हुए हैं वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको करता हूँ वापस से ज्वाइन। सायोनारा। राइड चालू हो चुकी है, अभी के बज रहे हैं सुबह के 4:30 बेंगलोर में और यहाँ से हम एकदम रेडी होके निकल चुके हैं अपनी राइड के लिए।
और इस राइड का जो सीरीज आने वाला है उसका नाम अब तक हमने सेलेक्ट नहीं किया है, दो तीन नाम में हम बहुत कंफ्यूज है, तो देखते हैं कौन सा नाम हम रखेंगे इस सीरीज़ का। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और दबा दीजिए लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां पे हमें मिलेंगे मनी, मीनाक्षी, अमारा एंड विनोद। तो इसके बाद वहां से हम करेंगे जर्नी चालू अपनी। तो चलिए देखते हैं वहां पे क्या सीन है। वैसे तो मीनाक्षी आ रही है वहां हमें सी ऑफ करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मीनाक्षी इस राइड पे हमारे साथ नहीं रहेगी बिकॉज उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और भाई गवर्नमेंट ऑफिस के लोचे तो भाई क्या ही बताऊँ। चलिए मिलते हैं उनसे, पहुँचते हैं वहाँ फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग से स्टिकर्स और हम अभी कर रहे हैं उसे माउंट, एक्चुअली मीनाक्षी कर रही है इसे माउंट मेरे पैनियर पे और इस पर लिखा है K2HP 2020, जो हमारा राइड है टोटल इन शॉर्ट। और यहाँ से अब हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। मीनाक्षी हमें आई है सी ऑफ करने के लिए और इसके बाद ये घर चली जाएगी और हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। विल मिस यू मीनाक्षी ऑन दिस राइड। बाय बाय मीनाक्षी, विल मिस यू। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे का नजारा। तो हम पहुंच गए ऑलमोस्ट बैंगलोर के बाहर। इस टूल गेट से हमने पता नहीं कितनी बार क्रॉस किया होगा बट इस बारी जो क्रॉस कर रहे हैं एक साथ बहुत दिन बाद ही वापस आएंगे इस टोल गेट को। जब रिटर्न देखेंगे तब हमें फील होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी राइड कर ली है। चलिए मिलते आगे। अरे भाई ये पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, दिल खुश हो गया एकदम देख के ये रास्ते। वाह भाई वाह। और ये विनोद और हमारा हमारे आगे जाते हुए। अरे वाह। ओ भाई 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 कुत्ता 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 कुत्ता, बाल बाल बच गए। तो गाइस हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक अराउंड 120 किलोमीटर के बाद। अच्छा स्ट्रेस था, बहुत मज़ा आया। और ये रही हमारी बाइक्स। और एक्चुअली मेरे को और नीतीश जी के दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा व्लॉगिंग में, क्योंकि स्पीड इतनी है हमारी कि क्या बोलते हैं वो जो विंड ब्लास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड के टाइम। तो उसको थोड़ा फिक्स करते हैं, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें करके यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद सीधा सीधा लंबा लंबा खींचेंगे। सो फार सो गुड, अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है। चलो सी यू देन। तो भाई हो गया एक छोटा सा ब्रेक कंप्लीट, चलिए मिलते हैं रास्तों पे। तो इस टोल गेट के बाद हम पहुंच जाएंगे आंध्र प्रदेश और यहाँ एंटर कर दिया हम लोगों ने आंध्र प्रदेश। अरे भाई सब जगह पहाड़ी पहाड़ और ये रास्ते जो देखने को मज़ा आ रहा है इस रास्तों पे गाड़ी चला के, इसीलिए तो इतने दूर राइड करके हम आए हैं ताकि इन वादियों का लुत्फ़ उठा सके। चलिए आप भी मज़े कीजिए और मैं भी मज़े करता हूँ। तो जैसे कि हम आपको नज़ारे देख दिखाने लेके आए तो वो देखिए वहाँ पे नज़ारे, विंड मिल्स पूरे माउंटेन्स पे है और ये रास्ता इतना मक्खन है, चलाने में गाड़ी इतनी मज़ा आ रहे हैं कि मन कर रहा है गाड़ी रोकू ही ना और सिर्फ चलाता जाओ और चलाता जाओ। चलिए ये व्यू भी देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत है ये पहाड़, ये रास्ते, वो देखो वो विंड मिल इतना पास है, लग रहा है पास लेकिन मेरे को पता है ये बहुत दूर है, लेकिन कुछ भी बोलो सीनिक ब्यूटी बहुत ही मज़ेदार है यहाँ की। तो दोस्तों आप ये जो राइट पे देख रहे हो ये है किया का शोरूम, सॉरी शोरूम नहीं, किया का प्लांट। और ये बहुत ही बड़ा प्लांट है और
क्या बताऊँ, बहुत ही मेजमराइजिंग सा व्यू है। इतना बड़ा प्लांट किया का इंडिया में पहला और इकलौता है एक्चुअली। और फिलहाल हम आंध्र प्रदेश में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर के आसपास। और ये देखिए, मैं दिखा सकता हूँ कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है और कितना खूबसूरत है। एक्चुअली इनका एक रिकॉर्ड भी है, शायद कुछ सेकेंड में ये कुछ नंबर ऑफ गाड़ियाँ प्रोडक्शन करती है, तो कुछ रिकॉर्ड भी है इनका। और ये नीतीश जी हमारे बगल से क्रूज करते हुए निकलते जा रहे हैं एकदम आगे। गाड़ी देखो नीतीश जी की, इतनी हैवीली लोडेड, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि क्या बताऊँ। हम रुके हैं एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए, अच्छा खासा खींच लिया हम। करीब करीब 250 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है, 250 से ऊपर 260 किलोमीटर के आसपास हो गया हमारा। और यहाँ से 350 किलोमीटर और है हैदराबाद, और समय हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो वो फुली 3-4 बजे तक अगर खींचे तो पहुँच सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। और पेट में बहुत ज़ोर से मतलब चूहे कूद रहे हैं, तो खा के प्याज बुझ मतलब पेट की प्याज बुझाते हैं। और यहाँ पे हम रुके पंजाबी ढाबे, बहुत सही ढाबा है, तो थोड़ा खाते हैं आते हैं, उसके बाद वापस से विल हिट द रोड्स एंड विल गेट बैक टू यू, बाय बाय। तो ये है हमारी गाड़ियाँ, यहाँ पे एकदम लाजवाब दिख रही है सारी गाड़ियाँ। तो हम निकले राइट पे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग है कि काम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब देख सकते हैं आप इस इन व्यक्ति को, मतलब काम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है इनको। तो ये ऑफिस का थोड़ा काम आ गया, तो लगे हाथ तो मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे, तो लगे हाथ तो काम कर ही लेते हैं। चलो आज काम कर लेंगे तो फिर अभी 2-3 दिन का फुर्सत हो जाएगा, तो बेटर है। और यहाँ पे है हम, ऑलमोस्ट 255 किलोमीटर बचे हुए हैं हैदराबाद पहुंचने के लिए। बहुत कर लिया मजाक, अब एक ही टारगेट है हमारा कि 150-160 किलोमीटर के नीचे कोई भी ब्रेक लेनी नहीं है। अभी सीधा सीधा हम खींचेंगे बाइक्स और पहुंचने की कोशिश करेंगे अपने डेस्टिनेशन पे एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज रात को हमें राइड करनी नहीं है। अगर आपको पता है इसको प्रोनाउंस कैसे किया करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से हम पास कर रहे हैं ये टोल प्लाज़ा की। मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि ये बाइक वालों से पैसे नहीं लेते, ट्रक बस सबसे पैसे लेते हैं, हमसे नहीं लेते। तो यही एन एच की के टोल प्लाज़ा की खासियत लगती है, मुझे मज़ा आता है फ्री में निकल जाने का विदाउट एनी वरी। तो चलो, यही बोरिंग रोड है और आपको बोर नहीं करूंगा ये बोरिंग रोड दिखा के। तो चलो आगे कुछ इंटरेस्टिंग तो मैं बताता हूँ। हे फ्रेंड्स, तो बज रहे हैं इसके 5:15 ब्रेक, वहाँ देख सकते हो लोग आराम से पीनट बटर और पता नहीं क्या क्या घर से लाए, हम सारा कुछ खा रहे हैं बैठ के एकदम चेयर टेबल लगा के मस्त मज़ेदार। और 44 किलोमीटर्स बचे हैं हैदराबाद हिट करने के लिए, बट हम हैदराबाद नहीं रुक रहे, हैदराबाद से आगे करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जहाँ पे भी अच्छा सा होटल मिले हम डेरा जमा लेंगे। तो व्लॉगिंग अभी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि लाइट जा रही है और ज़्यादा कुछ दिखाने और देखने के लिए भी नहीं है।
तो चलिए, अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो मैं आपको बताता हूँ ऑन द रोड्स, अदरवाइज आई विल रिपोर्ट यू व्हेन आई विल चेक इन टू द होटल रूम. सो फार सो गुड ब्रो, बाय बाय. हे गाइस, अब हम एंटर कर रहे हैं फाइनली हैदराबाद. और भाई साहब, यहाँ का ट्रैफिक इतना बुरा है. शाम के बज रहे हैं 6:30 और अब हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक के चक्कर में हमें लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे और यहीं पे हमें ओयो लेके कहीं रुकना पड़ जाएगा. तो हाँ, अभी मैं एडिट कर रहा था बैठ के अपना फर्स्ट डे व्लॉग बैंगलोर टू हैदराबाद, और इतना मतलब सारा सब कुछ सही आया. मैंने एंड शूट किया था अपने फ़ोन से और फ़ोन पे पता नहीं क्या हुआ, वो जो ऑडियो और वीडियो जो सिंक होना था वो सिंक हुआ नहीं. बहुत देर से मैं ट्राई कर, कम से कम 2 घंटे से लगा पड़ा हूँ कि भाई थोड़ा सिंक हो जाए. और एक फुटेज था वो भी थोड़ा सिंक नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने डाल दिया उसको. तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बच ही नहीं रहा था, तो फाइनली मैं यहाँ बैठ के अपना एंड यहीं पे शूट कर रहा हूँ बैंगलोर में. बट क्या कर सकते हैं. तो आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, बिना लाइक किए मत जाइएगा भाई, बहुत मेहनत की है. और अगर आपको घर बैठे बैठे पहाड़ों का मज़ा लेना है, पहाड़ी सफ़र का पूरा एपिसोड सारे देखने हैं, तो भाई इसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है ना. तो कीजिए सब्सक्राइब और उस घंटे बटन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट, मैं जब भी कोई वीडियो नया डालूँ तो आप वो मिस ना कर जाए. तो वो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा वो नोटिफिकेशन आता रहे. टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ.